दोस्तों मैं राजकुमार वीर प्रभात और आज हम कक्षा 7 में 7th बी क्लास है ये और इसमें ज्योग्राफी के चैप्टर है 5 पार्ट और इसका नाम है वायुमंडल एटमॉस्फेयर। देखो इधर दिखा बड़ा क्या है। तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का तुम्हें अर्थ बता चुके हैं। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का अर्थ होता पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता वर्णन करना, ठीक है। तो इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। अब पृथ्वी का ही वर्णन नहीं है, पृथ्वी के ऊपर भी जो वायुमंडल है उसका वर्णन करना है, धरती के अंदर है उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वायुमंडल। वायुमंडल भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द है इसमें? दो। वायु और मंडल। वायु और मंडल दो शब्द है इसमें। वायुमंडल का अर्थ है वह आवरण जो पृथ्वी को या गैसों का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। देखो हमने यहाँ पर ये पृथ्वी बनाई, अर्थ है इधर देखो, पहले ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर हमने ये बनाया तो ये क्या हो गया? वायुमंडल। वायुमंडल में जो गैसें हैं उसका हमने चित्र अलग बनाया है, कौन सी गैस कितना परसेंटेज में है, ठीक। तो ये वायुमंडल है और हम लोग जो सांस लेते हैं, जीव जंतु सांस लेते हैं, पेड़ पौधे सांस लेते हैं, या दुनिया में कोई भी व्यक्ति सांस अगर ले रहा है जीवित है तो वो किसकी वजह से है? वायुमंडल। आप सवाल पूछे कि हम आपका मुंह अगर बंद कर लें, आपका मुंह बंद कर लें, क्या आप जीवित रह पाओगे 5 मिनट के बाद? और हम जब पानी में डूब जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? वायु की। डूबते हम क्यों है? क्योंकि हम तैरना नहीं जानते। डूबते हम इसलिए हैं कि हम तैरना नहीं जानते। अगर तैरना जानते होते तो डूबते ही नहीं, चाहे इतना पानी हो, चाहे इतना पानी हो, चाहे समुद्र वाला पानी हो, हम डूबते नहीं हैं। अगर हम तैरना नहीं जानते, अगर हम पढ़ना नहीं जानते, हमें कोई सब्जेक्ट नहीं आता, तभी तो फेल होते हैं। फेल कौन होता है? होशियार बुद्धू बच्चे। बुद्धू बच्चे होशियार जो होगा वो कहीं फेल नहीं होगा, चाहे IAS की परीक्षा हो या PCS की हो। अब इसको जो सब्जेक्ट नहीं आता उसको फेल होना ही। अगली बात, तो वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है वायुमंडल कहलाता है। अब यहाँ देखो ये अपने चित्र बनाए 100% का चित्र है। 100% में यानी वायुमंडल के पूरे संपूर्ण 100% में से कितने परसेंट पर नाइट्रोजन है? वायुमंडल में कितना? 78.98 कुछ करके है, तो ऐसे याद रखो 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का फार्मूला होता है N2, रासायनिक नाम क्या है? N2। ऑक्सीजन है 21%, कितना परसेंट? 20.95 है तो 21 ही मान लो, ठीक। इधर देखो पहले रखे तो 21% ऑक्सीजन हो गई, 0.93 आर्गन हो गई। वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस आर्गन, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चौथी नंबर की सबसे बड़ी गैस है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब आता है सवाल कि हम सांस ले, अब ये पूछे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना परसेंट है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ जाए तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या भूमंडलीय तापन की वजह से आज दुनिया भर का तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर बहुत तेजी के साथ पिघल रहे हैं। ग्लेशियर जानते हो? बर्फ। अब पीछे दिखा दो, एक बार दिखा दो। तो होता क्या है कि जो बर्फबारी हो रही है और पिघल रही है, तो पिघलने का मुख्य कारण यही है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है। और बढ़ क्यों रहा? आज देखो जगह जगह शहरों में AC लगी हुई है, एक घर में 3-3, 4-4 AC लगी है, एक फैक्ट्री में चले जाओ तमाम धुआं, भट्टा देख लो, भट्टों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। और जो विकसित देश हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। देखो ये हो गया, समझ में आया? एक बार बोलो वायुमंडल नाइट्रोजन कितना परसेंट? 0.03%। इतनी बात समझ में आई? yes! अगर सवाल आए कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन। चाहे ये सवाल
पुलिस में आए, दरोगा में आए, बीसीएस में आए, हाई स्कूल में आए, नाइन्थ में आए, छः सात आठ जहाँ तुम पढ़ोगे पढ़ाओगे और बड़े बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे पूछेंगे बाबा प्लीज टेल मी अबाउट एटमोसफियर, तो आप तुरंत बता लोगे और बताओगे, सब बताओगे राजकुमार हमने ऐसे बताया था, बता लोगे बड़े बूढ़े डोकर और डुकरा हो जाओगे फिर भी तुम्हें सब चीज़ें पता रहेगी। नाइट्रोजन, अच्छा एक बात, दूसरा आप बताओ सांस लेने में हम गैस कौन सी लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन। अगर सवाल आ जाए कि सांस लेने में हम कौन सी गैस है अंदर लेते हैं, सुन लो पहले, तो आंसर आपका होगा वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसें। अच्छा मौके आए तो फिल्टर लगाओ, बोलो यहाँ फिल्टर थोड़ी लगाओ, क्या ऑक्सीजन अंदर जाएगी फिल्टर लगाए? तो हमारे अंदर सभी गैसें जाती हैं, जितनी वायुमंडल में उपस्थित है वो सब जाती हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारे जो फेफड़े हैं, हमारी जो मशीनरी अंदर की सिस्टम है, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। ऑक्सीजन मैं भी 17.4% ऑक्सीजन ले पाती है और बकाया उनका उसे ऑक्सीजन के रूप में 17% बाहर कर देती है, प्लस जो हमारे यहाँ पर 0.03 है, 0.03 हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो 4% खर्च हो गई, तो वो किसमें कन्वर्ट हुई? कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन, तो 0.03 और 4% तो 4.03% हो गया, लगभग लगभग 4.5% हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब तुम्हें कैसे महसूस करोगे अगर किसी के पास ऐसे मुंह ले जाओ, तुम कहते हट बदबू आ रही तेरे मुंह में, आती नहीं आती, बस यही समझ लो, अगर मुंह में से बदबू आ रही है तो तुम्हारे पेट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। कोका कोला खोला है तुमने, बोतल खोली होगी कोका कोला वाली, या पेप्सी की, या स्प्राइट की, ड्यू की, किसी गोली होगी, तो उसमें से गैस निकलती है, बोलो तो और नहीं खिला दो ऐसे करें तो ज्यादा, तो पूरी 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 पेप्सी बाहर आ जाएगी, क्या वो कार्बोनेटेड वाटर होता है, क्या होता है वो कार्बोनेटेड वाटर, अर्थात वो कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है संरक्षित होता है, प्रिजर्वेट होता है। ठीक, अगला, तो यहाँ तक इतनी बात समझ में आई? चौथी सबसे बड़ी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी आर्गन, दूसरी ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, दो नंबर पे ऑक्सीजन, तीन नंबर पे आर्गन और चार नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात यहाँ आती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं या पेड़ पौधे भी लेते हैं? तो ध्यान रखना पेड़ पौधे संपूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं, तभी तो कहते हैं पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, पेड़ है तो कल है, जल है तो कल है, तो प्रकृति संरक्षण। हाँ सुन लो मेरे, सुन लो पहले, अगला है ये वायुमंडल की परत है, सुनो पहले, क्या ये वायुमंडल की परत है, द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वायुमंडल की। अब सबसे पहले पूछा जाए जहाँ हम रह रहे हैं, आपने देखा होगा कोहरा पड़ता है, हवा चलती है, वर्षा होती है, वर्षा हो रही है, कोहरा कुहासा धुंध पाला तुसार ओस और जितने भी डिस्टरबेंस हैं, जितने भी बंद करो एक मिनट,